स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में बाजार सुगुल थाने की पुलिस और एसओजी टीम ने चोरों के एक रैकेट को पकड़ा है। पकड़े गए सभी चोर बाराबंकी जिले के निवासी हैं। इनमें दो सगे भाई भी शामिल हैं। पुलिस टीम को इनके पास से लाखों रुपए कीमत की ज्वेलरी, 25,000 कैश व अवैध तमंचे के 25 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक अमेठी दिनेश सिंह कहते हैं कि अपराध और अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया था, जिसमें एसओ बाजार सुकुल निर्मल सिंह और एसओजी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार वर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि दो बाइक पर सवार पांच चोर थाना क्षेत्र से निकल रहे हैं। पुलिस टीम ने घेराबंदी करके थाना क्षेत्र के डिघिया ऊंच गांव के पास से सभी को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान रामबरन पासी, राजकरण पूरे ठकराइन मजरे कोलवा थाना सुबह बाराबंकी, आनंद पासी शिव कुमार और रविंद्र बाराबंकी के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि बरामद आभूषण व रुपए बाराबंकी के थाना सुबेहा के गांव पूरे बोध थाना असंदरा के ग्राम मलाहन टाड़ ऊंचे का पुरवा से और अमेठी के थाना क्षेत्र बाजार सुकुल के नया का पुरवा ग्राम पारा भटमऊ व बक्तावर से चोरी करना बताया। पुलिस के मुताबिक बरामद जेवरात की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है और इनके पास से कुल 4 तमंचा, 25 जिंदा व 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस एसओजी और सर्विलांस सेल, इन सबके पिछले दिनों हो रही चोरियों के पीछे हम लोग अपनी सुरक्षा प्रतारसी कर रहे थे। कल हमें बड़ी सफलता मिली, जिसके अंतर्गत हमने एक अंतर जनपदीय गैंग को चोरी की गिरफ्तार किया। 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और करीब 11 चोरियों का खुलासा हुआ। 5 लाख के सामान की बरामदगी हुई, जिसमें रामबरन पासी, राजकरण, आनंद पासी, शिव कुमार और रविंद्र 5 चोरों की गिरफ्तारी हुई 4 तमंचों के साथ। ये एक अंतर जनपदीय गैंग है, जिसमें कि हमारे यहाँ जो खुलासा हुआ उसमें 10 मुकदमों का खुलासा हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ के 8 मुकदमे हैं, 2 मुकदमे बाराबंकी जनपद के हैं। इन चोरों का पुराना आपराधिक इतिहास है। अमेठी से शुभम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज